नमस्कार, GNI न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में 21 साल पहले पंचायत चुनाव को बाधित करने के लिए 30 मुलजिमान योजनाबद्ध तरीके से लाठी डंडों व असलहे से लैस होकर हमलावर हो गए थे, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और 7 लोग घायल हो गए थे। जिस संबंध में मृतक के भाई ने सभी मुलजिमों के खिलाफ थाना पीसोसरगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। इस घटना का परीक्षण के दौरान 6 मुलजिमों की मृत्यु हो गई तथा आज अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया, जिसमें सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें 24 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आइए देखते हैं बहराइच बीबी की रिपोर्ट। का किस तरह का मुकदमा था और क्या निर्णय हुआ? ये पंचायत चुनाव में पंचायत चुनाव को बाधित करने के लिए जो इसमें जगत नारायण सहित नामित 30 मुलजिमान थे, इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक घटना कारित किया था, जिसमें वादी मुकदमा कौशल किशोर तिवारी के सगे भाई रमेश तिवारी को की घटना स्थल पर ही मृत्यु हुई थी और 7 लोगों के हायर आर्म इंजरी की चोटें थी। शेष लोग हथगोला दहशत फैलाने के लिए फेंक रहे थे, पुलिस ने सब बरामद किया था, विवेचना हुई थी और उसके बाद साक्ष्यों के संकलन के पश्चात न्यायालय ने 20 साल के पश्चात न्याय किया है और एक व्यक्ति को जिसके भाई की हत्या हुई थी, एक महिला जिसके पति की हत्या हुई थी, उसको 20 साल के पश्चात न्याय मिला है। मैं उस जज को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, श्री मनोज कुमार मिश्रा जी को, जिन्होंने 20 साल बाद इतने पुराने मुकदमे में त्वरित न्याय किया। आगे घटना का मुख्य कारण क्या रहा, क्या फैलाना चाहते? घटना का मुख्य कारण चुनाव में दहशत फैला करके फर्जी वोट डालना था और इन लोगों ने 14/6/2000 को जब वोटिंग हो रही थी उसी समय 11 बजे योजनाबद्ध तरीके से फर्जी मतदान कराना शुरू किया, जिस पर वादी मुकदमा और उनके समर्थकों ने विरोध किया तो ये लोग फायरिंग रामसेवक यादव जो इसमें सजा जिसको हुई है उनके मकान में छुपे हुए थे और इन लोगों ने फायरिंग किया। फायरिंग में रमेश की मृत्यु हुई, शेष लोग चुटहिल थे और मतपेटी तक लूट ले गए थे पोलिंग स्टेशन में घुस करके। साहब ने सभी जो 6 लोग इसमें दौरान विचारण मर गए थे उनको छोड़ करके जो 24 लोग थे उनको इस घटना में दोषी माना और दोषी मानते हुए सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रमोद कुमार सिंह DJ 6 द्वारा आज दिनांक को बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया गया जिसमें चुनावी रंजिश को लेकर के मतदान स्थल पर जो है मुलजिमानों द्वारा फायरिंग की गई और मुलजिम जगत नारायण के इशारे पर मुलजिम गजेंद्र द्वारा फायर किया गया और जिस जो रमेश कुमार के सीने पर लगा और वादी मुकदमा के भाई रमेश कुमार ऑन स्पॉट ही उनकी मृत्यु हो गई और फायरिंग में अन्य लोगों को भी बहुत चोटें आई। वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और 30 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई और 24 लोगों को DJ 6 के द्वारा आजीवन कारावास की